नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जो आपके रैंक के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आपकी रैंक डाउन हो सकती है या बार भी सकती है, तो आखिरी तक जुड़े रहो। नंबर वन, पहले आपको चार कैरेक्टर लेना पड़ेगा, दिमित्री, सोनिया, एल्वारो, नायरी। इस चारों कैरेक्टर को सेट कर लेना है अच्छे से। तो पहले देखते हैं ड्रीमेट्री की कुछ एबिलिटी जो आपको रैंक पुश करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैं उतर चुकी हूँ और इस घर में बंधे हैं, गण वगैरह लूट लेते हैं तो फिर उसके पास जाकर फाइट करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, बंदा तो हमें देखकर ही डर के हमारे ऊपर रस कर दिया, चलो मैं भी रस कर देता हूँ। अरे भाई, हुकुम बन चुकी है, चलो घूम के मरने की कोशिश करते हैं इसको। और देख सकते हो बंदा इस तरफ से घूम के आया है और बंदे को हमने यहाँ पर डैमेज दिया, लेकिन मेरे सोनिया एक्टिव हो चुकी है तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करता हूँ, डिमिट्री ऑन कर दिया। तो गैस मैं रिवाइव भी हो गया और बंदे भी मर गए। तो गैज इसी को कहते हैं सीधी उंगली से घिना उठे, तो गैज उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और गैज ऐसे ही आप लोग रैंक पुश कर सकते हो। और गैज यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को इस डिमिट्री को यूज़ करना है, बहुत ही सारा रैंक पुश होगा गैज सोलो वर्सेस स्क्वाड में खेलते हो तो, और स्क्वाड में खेलते हो तब भी होगा। तो भाइयों इसका एक साइड इफेक्ट है तो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा वो। तो गैज पहले देख रहे हो पर सामने बंदे है, इसको हमने मार दिया। और गैज इसी का फ्रेंड है यहाँ पर छुप के। तो गैज मैंने ये पहले इसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो गैज देख रहे हो इस साइड है। तो गैज जब भी मैं यहाँ पर आया तो बंदा मेरे को यहाँ पर सोनिया एक्टिव कर दिया। जब भी सोनिया एक्टिव किया तो गैज मैं यहाँ पर साथ ही साथ मैं यहाँ पर साथ ही साथ डिमिट्री ऑन करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ भाई, आप लोगों को भी नहीं होगा। इस चीज़ को आप ख्याल में रखना, इस चीज़ को ख्याल में रख के ही डिमिट्री को चलाना भाई। तो चलते हैं नंबर टू के तरफ। तो गैज ये यहाँ पर नंबर टू क्या है, तो गैज यहाँ पर डिमिट्री लाना है तो गैज सोनिया लाना ही पड़ेगा, नहीं तो गैज यहाँ पर रैंक भूस भी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, आप मर जाएंगे। तो गैज यहाँ पर बहुत ही खतरा हो सकती है बिना सोनिया के डिमिट्री चलाना। तो गैज यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर सोनिया कैसे रोल प्ले करती है इस डिमिट्री के साथ रैंक भूस में। तो गैज आप लोग बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर डिमिट्री के साथ और सोनिया के साथ यहाँ पर फाइट कर सकते हो। तो गैज देख रहे हो दोनों तरफ ही बंदे हैं, बंदे हैं और गैज पीछे से भी बंदे हैं, सामने से बंदे हैं। तो गैज देख, तो भाई पीछे से बंदा मुझे बहुत ही गंदा डैमेज दिया। तो गैज अब आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ सोनिया का एबिलिटी। तो गैज देख रहे हो सोनिया होगा तो गैज आप लोग आसानी से बंदे को मार सकते हो। तो गैज देख रहे हो मेरा कोई भी एचपी नहीं है और बंदे ने मुझे सोनिया किया, सोनिया के बाद बंदे को मैंने पर हेडशॉट दिया तभी यहाँ पर मैं डाउन हुआ भाई। फिर से एक बार रिप्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ वही वाला क्लिप। और गैज और हेडशॉट देके जब आप सोनिया हो जाओगे तो गैज जल्दी से आप लोगों को क्या करना, डिमिट्री ऑन कर देना है और गैज आप लोग रिवाइव भी हो जाओगे और बंदा भी आपका किल हो जाएगा। तो गाइज नंबर थ्री में क्या कहता है, अपने फ्रेंड लोग अपने गेम प्ले में बहुत ही रोल प्ले करते हैं, जिस स्क्वाड के साथ आप खेलते हो उसी स्क्वाड बहुत ही रोल प्ले करती है। तो गाइज अच्छे से स्क्वाड के साथ हमेशा खेलना। तो गाइज देख रहे हो मेरा स्क्वाड में किसी भी रैंडम प्लेयर के साथ उतर गया था। तो गाइज देख रहे हो मेरे एक बंदे खत्म हो चुके हैं, दो बंदे बचे हुए हैं। तो गाइज दोनों में से गाइज आप लोग देखना है, यहाँ पर हंसी उठ आएगी आप लोगों को भी देख के मेरा इस वाला गेम प्ले। तो एक तो खत्म हो गया, तो गाइज यहाँ पर देख रहे हो इसके पास 1800 टोकन है, तब भी ये बंदा रिवाइव नहीं देने जाएगा, पहले मारेगा फिर रिवाइव देने जाएगा, जब नहीं मार पाएगा तो तब भागेगा, लेकिन इसको मार देगा। तो गाइज ऐसे करेगा ये बंदे लोग। तो गाइज ऐसे कभी नहीं करना है आपने स्क्वाड के साथ जब खेलोगे। तो गाइज जब भी टोकन रहेगा आपके पास पहले आपने स्क्वाड को रिवाइव देना, तब भी भाई आप लोग खेलना कितने भी खेलना चाहते हो। तो गाइज ऐसे स्क्वाड के साथ कभी मत उतरना भाई। नंबर चार में बताएंगे आप लोगों को नायरा कैरेक्टर की एबिलिटी को और गैज क्या इफेक्ट करती है हमारे गेम प्ले में। और गैज वही बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। देख रहे हो सामने बंदे है और गैज देख रहे हो मुझे यहाँ पर डाउन कर दिया। तो गैज यहाँ पर देख रहे हो नायरा कैरेक्टर यहाँ पर एबिलिटी ऑन हो चुकी है। तो गैज यहाँ पर देख रहे हो ग्लोवाल में अजीब सा ही कलर आ चुका है और गैज यहाँ पर ग्लोवाल जल्दी से नहीं टूट सकता मेरे ग्लोवाल। और गैज यहाँ पर देख रहे हो मैं रिवाइव हो चुकी हूँ और गैज यहाँ से मैं भाग भी सकती हूँ और गैज रिवाइव होके और एक यहाँ पर दिखा रही हो टिक। तो गैस देख रहे हो मैं यहाँ पर भाग रही हूँ, सामने से बंदा आके मुझे बहुत यहाँ पर डैमेज दिया। तो गैस यहाँ पर मैं जब तक मुक्का मारूंगा तब तक मेरा एचपी फुल हो जाएगा। ये नायरा कैरेक्टर का एबिलिटी है। तो गैस पहले एक एबिलिटी है, एक एबिलिटी यानी कि दो एबिलिटी है इसमें। और गैस यहाँ पर आप लोग बंदे को आसानी से मार सकते हो। और गैस देख रहे हो यहाँ पर मैं बंदे को कैसे डैमेज दे रही हूँ। तो गैस इस बंदे को यहाँ पर फिनिश करके जाएंगे। तो गैस यहाँ पर देख रहे हो बंदे इस तरफ है और गैस यहाँ पर बंदे को हमने बहुत डैमेज दी, बंदे यहाँ पर छुप रही है और भाई साहब देख रहे हो बंदे को यहाँ पर लग चुकी है हेड। तो गैस चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
तो नंबर 5 में आप लोगों को करने के लिए एल्वेरो कैरेक्टर ने भाई साहब और मुझे कितना सारा डैमेज दे दिया। और यहाँ पर एक ही ग्रेनेड से मर जाएगा क्योंकि एल्वेरो कैरेक्टर में डैमेज इंक्रीज कर देती है। और कहीं जब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर ग्रेनेड कर दिया और देख रहा हूँ बंदे को लगा डैमेज और बंदा एक ही बार में खत्म हो चुकी है। और गाइस तब तक यहाँ पर हमारा टीम खत्म हो चुकी है, तब तक के लिए बाय बाय।